जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अगेन मार्केट के एनालिसिस को, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है। न्यूज़ का इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। न्यूज़ आपकी जो 5:15 बजे आई है वो भी नेगेटिव रही, और उसके बाद जो आपके पास 5:30 बजे आई है वो भी नेगेटिव रही। डॉलर के अकॉर्डिंग डॉलर नीचे गया है, डॉलर के अगेंस्ट जितने पेयर थे वो ऊपर गए हैं। सिंपल, ज़्यादा पेचीदगी में ना जाएं, इन चीज़ों को स्टडी आउट करें लाजमी, लेकिन मेन स्टिक रहें अपने जो आपका होता है ट्रेडिंग गोल उसके साथ, टीए के साथ, ठीक है। अभी अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बीटीसी मुझे यहां पे जो नज़र आ रहा है इस वक्त, बीटीसी इस रेंज की मैं बात करूं कि यहां पे अगर आप लोग दिखाई दे 26,700 के लगभग, 800 के लगभग, तो आप लोग यहां से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं 15 मिनट की बात करूं बीटीसी की, तो आप लोगों को अगर 27,500 के ऊपर बीटीसी की क्लोजिंग हो जाती है आप लोग बाय में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही वाला होगा। यहाँ पे 3 white shoulder बन रहे, इट्स मीन दैट के यहाँ पे वॉल्यूम आते दिखाई दे रहा है। आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 27,800 होगा, और नेक्स्ट टारगेट आपका 28,000 होगा। लेकिन इससे भी नेक्स्ट टारगेट अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती है तो फिर आप लोगों के 29,000 और बाकी 30,000 और बाकी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करती 27,500 को, तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 26,400 के करीब करीब आप लोग कोई सेटअप बनता दिखाई देगा जहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट की एक्यूरेट एंट्री हो सकती है जो आप लोगों को पॉजिटिव सेंस में ऊपर लेके जा सकती है। इसके बाद अगर मैं इथीरियम की बात करूं, और इथीरियम में मार्केट में वॉल्यूम आया है, मार्केट 17-20 पे इस वक्त चल रही है, और मार्केट इस वक्त रिसेंटली अपना एक ब्रेक करने जा रही है 17-21 को। इसको मार्केट ब्रेक करती है आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 17-32 और 17-44 में भी, जब तक वीडियो मिले मार्केट ये टारगेट हिट कर चुकी हो, और यहाँ पर आप लोग बाय पकड़ के बैठ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका जब ये 17-47 या 17-50 एक्टिव हो जाए, फिर आपने 18-18.50 वो वाला टारगेट एक्टिव रखने, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में डाल दीजिएगा। जैसे ही आपकी ये ट्रेड पॉजिटिव में जाए, ब्रेक इवन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका ट्रेडिंग ब्रेक इवन पे चली गई, इट्स मीन दैट कि आपको बिल्कुल जीरो लॉस हो रहा होता है ट्रेड के अंदर, आप लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो ब्रेक इवन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आज की इस वीडियो में। अच्छा, ब्रेक इवन बेसिकली हम बोलते हैं कैसे, ठीक है। फर्ज करें मार्केट यहाँ पे थी, आपने यहाँ पे एंट्री ली, अब आपकी एंट्री यहाँ पे प्रीवियस स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे पड़ा है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर वे में समझ आ सके, ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री ली, बाय की, आपका टारगेट ऊपर है, मार्केट ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, मार्केट जैसे ही इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर गई, आप लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट करके ब्रेक इवन कर दें। मतलब क्या कि मार्केट इससे नीचे जाएगी तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, मतलब आपको ट्रेड में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट। मार्केट यहाँ पे जितना ऊपर जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए आपको प्रॉफिट होगा। इस पर नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एवरी ट्रेड को ब्रेक इवन लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को नुकसान से बचा जा सके। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम लेके चलेंगे बीएनबी को। बीएनबी में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता दिखाई दिया है, होल क्रिप्टो में वॉल्यूम है। बीएनबी ने कल 234 का लगा दिया। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो कि मैंने पहले स्पेशल उस पर अपलोड की थी, और मैंने ये बोला था कि ऐसे जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करे आप लोग यहाँ से बाय में जा सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी मार्केट अगेन इस एरिया में टैप करे या मार्केट थोड़ा सा इससे ऊपर रहे, आप लोग यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी यहाँ से मार्केट इतना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जाए या मार्केट यहीं से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जाए, आप लोग यहाँ से बाय में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग रखना है। अब मैं लेकर चलूँगा आप लोगों को गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड के चार्ट में हम देखेंगे मार्केट इस वक्त क्या बिहेव कर रही है। गोल्ड में काफ़ी सीजन पॉजिटिव है, कोई इंड्यूसमेंट टेक नहीं हुई। मार्केट का जो नीचे वाला लेवल 1903 का लेवल है, मार्केट का ऊपर वाला लेवल इस वक्त 1946 का बन चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया, प्रीवियस ग्रुप में जो डिस्कशन थी उसमें बताया, आज यूट्यूब की कम्युनिटी में भी पोस्ट डाली उसमें बताया कि आप लोगों को मार्केट 1946 तक मेरा टारगेट है, उसके बाद मैं देखूंगा मार्केट ने किस सीमा जाना है। अभी तक कोई नेगेटिविटी का साइन नहीं है, सुकून से सेल में ना बैठें, बाय की एंट्री पकड़िएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी इंड्यूसमेंट लेके उसको टेक कर जाती है तो फिर हम ऊपर से स्वीप पे सेल बैठेंगे, अदरवाइज मेरा कोई भी सेटअप गोल्ड के अंदर नहीं है। बाय में मैं जाऊँगा लेकिन डीप से जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो लो पड़ा है वो 1903 के लगभग, और जब इतनी वाइड रेंज हो जाए 1903 से लेके 1940-45 तक, मतलब 50 पॉइंट की, मतलब कि 500 पिप की रेंज मार्केट कर रही हो, तो उस वक्त थोड़ा सा मोहतात अंदाजे से आप लोगों ने ट्रेड करने, आप लोग फिर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से आप डायरेक्टली सेल में घुसें, जब तक आप लोगों का प्रॉपर 1-2-3 वाला पैटर्न ना मिले या इंड्यूसमेंट शिफ्ट का पैटर्न ना मिले तब तक आप लोग सेल में ना जाइएगा। यूरो की बात करूं, यूरो का जो मेरा आज का एनालिसिस था बाय का था, मैंने आप लोगों के साथ कॉल भी शेयर की थी अगर आप लोगों को याद हो, और अभी चार्ट अपडेट होकर भी आप लोग जैसे ही सामने आता है तो ये देखिएगा कि ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था प्रीवियस,
और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे थोड़ा सा आई, पुल बैक दिया और ये बाय बूम, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मार्केट इस वक्त इस हाई को उड़ा चुकी है, इंड्यूसमेंट टैप कर चुकी है, इट्स मीन दैट कि आपका ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दोबारा से मार्केट कहीं ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी, हम लाजमी देखेंगे। लेकिन अभी जो आपका इंड्यूसमेंट बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके ऊपर ले जाऊँगा क्योंकि ऊपर मेरा कर्सर पड़ा है एक, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी जो इंड्यूसमेंट आपकी पड़ी है वो ये वाला एरिया, ठीक है, जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट में टैप करेगी देन हम देखेंगे हमने किस तरफ जाना है, अदरवाइज़ हमारा कोई सेटअप नहीं है, ऊपर से सेल का हम नहीं सोच सकते जब तक मार्केट स्वीप की एंट्री हमें ना दे। इसके बाद जीबीपी की मैं बात करूँ, जीबीपी में मैं कल और आज भी सेलर रहा, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मैंने डिफरेंट ग्रोथ में जिनमें मैं ऐड हूँ, मैंने वहाँ पे कॉल दे दी थी कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, मार्केट ने अब निकलना है, तो आप जस्ट बाय के लिए वेट कीजिएगा और आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी भी सेम सिनेरियो है और मार्केट में अभी इंड्यूसमेंट लेवल आप लोगों का यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, ये आपके एक वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसको टैप ना करे, ये ऊपर न्यू इंड्यूसमेंट बना के टैप ना करे, तो तब तक आप लोगों ने मार्केट मेंटेन नहीं पकड़नी, ऊपर इंड्यूसमेंट लेके स्वीप करे मार्केट, हम फिर भी सेल में जाएंगे, अदरवाइज हमारा सेटअप बाय का ट्रेंड, बाय का जीबीपी, बाय यूरो, बाय गोल्ड, बाय बीटीसी, बाय सारे बाय में इस वक्त हैं, ठीक है, थीके? थोड़ा सा सुकून से पुल बैक पे वेट करेंगे, ठीक है। जो लोग फंडेड अकाउंट परचेज करना चाहते हैं, फंडेड अकाउंट से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, मैं यहाँ पे लास्ट पे एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो वो लोग अकाउंट कर यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्रिएट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं, उसकी व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शोर होता है। जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग नहीं होती, प्रॉपर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। ये जो मेरे एनालिसिस होते हैं ये सारे आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, इनको अपने एजुकेशन में शामिल किया करें और इसके साथ साथ आप लोग अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया करें या अपने एनालिसिस के साथ मार्केट में उतरा करें, उससे आप लोगों को और भी ज्यादा मार्केट में मैच्योरिटी नजर आएगी, आप लोग बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, जो लोग एक्सएनएक्स का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, सारे एक्सचेंजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलोअप कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।